नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से। अभी तक जितने हमारे ट्यूटोरियल्स हैं वो एक ब्लॉक से शुरू करते हैं, हम कैसे एक पर्टिकुलर डिज़ाइन एक ब्लॉक बनाते हैं और फिर हम उसको धीरे धीरे एक प्रोडक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन देना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको एक बेसिक टेक्निक जो काफ़ी सारे ब्लॉक्स में रिपीट होता है जिसको हाफ स्क्वायर ट्रायंगल कहते हैं, हम उसको बनाना आज सीखेंगे। आप एक्चुअली इनको एक साथ ये वाला, जैसे अगर आपने ये डिसाइड किया कि आप ये कलर स्कीम में बनाना चाहते हैं तो एक साथ आप 8 बना सकते हैं। यही एक हाफ स्क्वायर बना है और फिर वो आपने उसको अरेंज कर दिया है अलग अलग तरीके से। तो अब हम जो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ उसमें आप किसी भी साइज के ये हाफ स्क्वायर ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट में आपको ये हाफ स्क्वायर ट्रायंगल जो है वो 2.5 इंच की विड्थ और हाइट से चाहिए हो, क्योंकि अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे बेड कवर आप बनाना चाहते हैं तो आपको होगा कि मेरे थोड़े से ये हाफ स्क्वायर ट्रायंगल्स बड़े लगे, और अगर आपका जैसे छोटा सा कोस्टर है तो उसमें आपको होगा कि ये छोटे हो जाएं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला इसलिए आपको मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि ये एक साथ हमने 8 बनाने हैं और 8 में आपने ये नोटिस करना है कि जो सेम साइज है उससे नहीं काटेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कहते हैं सीम अलाउंस। देखें, ये सीम अलाउंस है। जब ये आपका ब्लॉक बन जाता है सीम अलाउंस के साथ, तो इसके लिए आपको जगह रखनी है। इसके लिए जो फॉर्मूला है उसमें हम इसको प्रोवाइड करेंगे सीम अलाउंस का स्कोप। जो फॉर्मूला है मेरा वो फिनिश साइज से आप चलिए। तो अगर आपका फिनिश साइज 2.5 इंचेस है तो 2.5 इंचेस प्लस 2.5 इंचेस दो बार, ओके? तो 2.5 इंचेस प्लस 2.5 इंचेस प्लस 1/3 ऑफ एन इंच, 1, 2 एंड हाफ। तो ये पहला ब्लॉक का साइज हो गया। अब रिपीट करना है तो हाफ तो पहले ही है मेरे पास 1 एंड 2, तो ये 5 इंचेस में मेरे 2, 2.5 हो गए। उसके बाद हमने क्या कहा था 1/3 ऑफ एन इंच, तो ये 1 इंच हो गया, तो 6 और 3/4 ऑफ एन इंच, तो 1/4, 1/2 एंड 3/4, 1/3 ऑफ एन इंच, ठीक है? तो एक बार ये आपने मैथ्स समझ लिया आपके लिए फिर क्या कहते हैं, द जर्नी इज अ फन जर्नी, यू आर ऑन अ गुड रोल। तो इसको काटने के लिए जैसे हमेशा हमारा फैब्रिक होता है आप उसको सेल्वेज टू सेल्वेज काटेंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा कपड़ा खिसका है, आप देखिए बैक साइड में तो बहुत ज्यादा खिसका हुआ है, तो इसको जरा सा वो शेप में लाने के लिए हम इसको ट्रिम करेंगे। तो ये आपका ट्रिम हो गया। अब हमने 6/3/4 ऑफ एन इंच काटना है। ये मेरे मैट पे सारे मेजरमेंट्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/3/4। तो ये मैंने मेरा रूलर यहाँ पे लाइन पे लगाया है, देखिए 3/4 ऑफ एन इंच, और ये ऊपर एकदम सीधा पूरा स्ट्रिप काट लीजिए इस तरह से। अब फॉर द मोमेंट मैं ये स्क्वायर काट रही हूँ, ये सेल्वेज हट गया मेरा। अब हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो हमारा क्या था स्ट्रिप का साइज 6/3/4 ऑफ एन इंच, राइट? तो अब हमारा स्क्वायर भी क्या बनेगा 6/3/4 ऑफ एन इंच, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 3/4। तो आप अब अपने जो स्क्वायर्स आपने काट लिए हैं, आप जिन स्क्वायर्स के साथ रेडी हो आप उनको अरेंज करिए और आप डिसाइड करिए आपको कौन से कॉम्बिनेशंस के बनाने हैं, क्योंकि आप एक साथ कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप चाहते हैं आप एक साथ 8 बना सकते हैं। तो आप इसके अगर ये दोनों स्क्वायर्स लोगे तो 8 आपके बन जाएंगे, अगर आप इन दोनों को साथ में लोगे तो इनके 8 बन जाएंगे, और अगर आप इन दोनों को लोगे तो इनके 8 बन जाएंगे। मैं येलो डिसाइड कर रही हूँ, येलो पोल्का डॉट, उसमें मैं बैक साइड में एक डायगनल लाइन ड्रॉ करूंगी। तो हम पेंसिल से बस इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। उसी तरह से आप दूसरे दोनों एंड्स को भी डायगनल लाइन के साथ खींच लीजिए। एक बार आपकी डायगनल लाइन बन गई तो आप ये जो राइट साइड है, ये जो सीधी तरफ है, उनको टिक टुगेदर, राइट साइड टुगेदर को इकट्ठा करेंगे
इस तरह से। तो एक बार हमने लाइंस ड्रॉ कर ली और इसको पिन अप कर लिया, बिकॉज पिनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लाइन के क्वार्टर इंच राइट में और क्वार्टर इंच लेफ्ट में आपने सिलाई करनी है, और वही क्रिया आपने इस लाइन के साथ करनी है। तो लाइन के क्वार्टर इंच इस तरफ और क्वार्टर इंच लेफ्ट में, दूसरी तरफ जो डायगनल लाइन है उसमें राइट साइड पे हमने पहले स्टिच करा है क्वार्टर इंच छोड़ के। फाइनली हमने दोनों तरफ, ये हमारे दोनों तरफ के सीम अलाउंसेज हैं, राइट एंड लेफ्ट, ये देखिए राइट एंड लेफ्ट, और ये इस तरफ भी है। तो चारों तरफ आप देखेंगे हमारे सीम अलाउंसेज सिल गए हैं। तो बीच में देखो कितना सुंदर स्क्वायर बन गया है। तो अब हम इसको काटेंगे। तो अब जो लाइन आपने ड्रॉ करी थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पेंसिल लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिखने वाली नहीं है। नॉर्मली हम नहीं कहते, हम अलाउ नहीं करते क्योंकि वो दाग दिख जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि पेंसिल पे ही कट आना है तो मैंने आपको कहा था कि आप इसको काट सकते हैं। अब मैं इनके सेंटर में एक एक कट दूंगी। तो अगर आप चाहें तो इकलौता अकेले ट्रायंगल में कट कर लीजिए, या आप चारों को साथ में लेके काट लीजिए। तो ये मेरे कट्स हो गए तैयार। अब देखिए, एक साथ मैंने 8 हाफ स्क्वायर ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ स्क्वायर ट्रायंगल्स रेडी कर दिए। ये देखिए आप, अब ये आपका बन गया है, और अब आप इसको जब खोलेंगे तो ये 2 स्क्वायर्स आ गए हैं, है ना। तो अब आप इसको आयरन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, और उसको ये कहते हैं, आप पैटर्न्स में पढ़ेंगे, सेट द स्टिचेस। सेट द स्टिचेस यानी ये जो सिलाई है पहले आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे। कहते हैं कि उसके साथ स्टिचेस सेट हो जाती हैं, वो खिसकती नहीं है, वो खुलती नहीं है, वो ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। और उसके बाद आप रोल अप करो डार्क साइड की तरफ, और आपका जो आइनिंग है वो इस तरह से आएगी। तो जो डार्क कपड़ा है उसके नीचे आपका सीम अलाउंस आएगा। तो ये एक तरीका है। और दूसरा है, अगर आपने इसको स्टिचिंग को सेट करनी है तो पहले आप इसको ऐसे बंद करके स्टिच करेंगे, आयन करेंगे, और फिर आप इसको खोल के, चॉइस आपकी है, एक्यूरेसी किस में आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ये पसंद है, मेरा टेक्निक जो है उसमें मैं थोड़ा सीम्स खोलना पसंद करती हूँ और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ। अब इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप देखेंगे, और वो है ये, आप देखिए ध्यान से कि इसमें ये ट्रायंगल्स निकल आते हैं जो अंदर से काटे हमने, जब इसको काटा तो ये देखिए बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली हो तो उस तरह से है, जिसको ये डॉग ईयर्स बोलते हैं हम क्विल्टिंग वर्ल्ड में। तो इसको आपने ट्रिम आउट करना है। तो अब आपके अनेको ब्लॉक्स इसी तरह से तैयार हो जाएंगे, और अब जो है वो सिर्फ असेंबल करना है। अब जैसे अगर हमको ये वाला ब्लॉक बनाना है जिसमें ये 2 कलर्स हैं, राइट, तो ऑल यू हैव टू डू इज इसको अरेंज करना है अपने तरीके से। अब देखिए, पहले आप ये 4 बना लीजिए, 1 2 3 4, तो ये हो गए। तो ये 1 बन गया आपका नेक्स्ट साइज का ब्लॉक। अब ये 4 बन गए, उसी तरह से आप 4 और बना, 3 और बना लीजिए और उनको सिल दीजिए। तो ये आपका ब्लॉक बन गया। एक और डिज़ाइन देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ही इजी है। ये देखिए, बस आप इसको ऐसे जमाते रहेंगे। जिस टेक्निक से आपको इसको लेआउट करना है वो आपके ऊपर है, जो आप पसंद करें। इस ब्लॉक में आप देखिए कि ये हमने 4 हाफ स्क्वायर ट्रायंगल का नेक्स्ट साइज का ब्लॉक बनाया है, और फिर 1 2 3 4 इनको जब सिल देंगे और फिर इनको जोड़ेंगे, असेंबल करेंगे, ऐसे इनको सिल देंगे, तो ये हमारा बड़ा ब्लॉक बन जाएगा।